किसान साथियों नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल में। किसान साथियों, एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जो पेड ग्रुप है, और उसमें कल एक चर्चा शुरू हुई कि क्या हम ट्राइकोडर्मा के साथ में जो पेस्टिसाइड्स हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि एक किसान अगर अपने कंपोस्ट या गोबर को ट्राइकोडर्मा से उपचारित करता है तो वो क्या उसमें क्यूनाल्फास या क्लोरोपायरीफास आदि या कोई भी पेस्टिसाइड प्रयोग कर सकता है। इस पर चर्चा शुरू हुई और एक हमारे किसान हैं अमित भाटी जी, उन्होंने उस पर एक रिसर्च पेपर भेजा। जब मैंने वो रिसर्च पेपर पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उससे और आगे गया और उसके रेफरेंस से मैंने एक और रिसर्च पेपर निकाला और मैंने एक वीडियो बनाने का निश्चय किया जिससे मैं आपको ये बताऊंगा कि ट्राइकोडर्मा और बवेरिया बसियाना जो हमारे जैविक फफूंद हैं उनके साथ हम क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। ये सब मैं नहीं कहूँगा, जो रिसर्च पेपर के परिणाम हैं मैं वो आपके सामने रखूँगा। जो दोनों रिसर्च पेपर हैं वो उनका डिस्क्रिप्शन में मैंने उनकी रेफरेंस दे दिया है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। और इनका जो PDF मेरे पास आया है उसे मैंने अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड किया है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर इनको पढ़ सकते हैं। जो पहला एक पेपर है, रिसर्च पेपर है, उसका टाइटल है कॉम्पेटेबिलिटी ऑफ ट्राइकोडर्मा एस्पेरेलम विद फंगिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र एंड बायोपेस्टिसाइड। यानी आप ट्राइकोडर्मा के साथ में क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं फंगिसाइड में से, इंसेक्टिसाइड में से, और फर्टिलाइज़र जो केमिकल उर्वरक होते हैं। और दूसरा है कॉम्पेटेबिलिटी ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट ट्राइकोडर्मा विरिड विद वेरियस पेस्टिसाइड। यानी इसके साथ में विभिन्न पेस्टिसाइड की क्या कंपेटेबिलिटी है इन्होंने प्रयोग कर ये सिद्ध किया। इन दोनों के आधार पर मैंने यह वीडियो बनाने का निश्चय किया है और मैंने इसके लिए एक स्क्रिप्ट निकाली है जो मैं आप सबके लिए साझा करता हूँ। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आप इसे अंत तक देखिए कि आप इन चीज़ों के बारे में जानें और समझें और तब कार्य करें। ये ना करें कि किसी ने कह दिया और आपने ये कार्य कर लिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। किसान साथियों, सूक्ष्म रूप में मैं पहले यह बताऊंगा कि ट्राइकोडर्मा क्या है। ट्राइकोडर्मा एक जैविक फफूंद है जो हमारे पौधों की विभिन्न प्रकार की जो हानिकारक फफूंद है उनसे रक्षा करती है। अब देखिए एक कितनी मजे की बात है, जो फफूंद मांसाहारी होती है वो आपके पौधों की रक्षा करती है, और जो फफूंद शाकाहारी होती है वो आपके पौधों को नुकसान पहुँचाती है। तो ट्राइकोडर्मा एक उस प्रकार की फफूंद है जो कि मांसाहारी है और आपके पौधों को नुकसान पहुंचाने वाली फफूंद को नष्ट करती है। इसी तरह की एक और फफूंद होती है बवेरिया बसियाना। हर फफूंद किसी न किसी काम आती है जो आपके पौधों की रक्षा करती है, और ये सारी जो है ना जैविक हैं। जो लोग जैविक खेती करते हैं उन्हें इनका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। अब किसान साथियों, ये देखा गया है कि अगर हम अभी उस स्टेज पर नहीं पहुँचे कि हमारे पास सारी जैविक फफूंद या इस तरह की जैविक दवाइयाँ हो गई कि हमें रासायनिक का प्रयोग नहीं करना पड़े, लेकिन अगर आप दोनों को प्रयोग करते हैं तो सोने में सुहागा होता है। इसे करने के लिए हमें यह जानना ज़रूरी है कि जैविक के साथ में कौन सी रासायनिक फफूंद या पेस्टिसाइड जो कीटनाशक हैं और जो फर्टिलाइज़र यानी जो उर्वरक हैं, रासायनिक उर्वरक हैं, हमें क्या प्रयोग कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। कुछ आपको फ़ायदा देंगे और कुछ आपको नुकसान करेंगे। अगर आपने रासायनिक कोई पेस्टिसाइड यूज किया हो सकता है कि वो ट्राइकोडर्मा को कोई हानि करे, इसलिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें किसके साथ क्या प्रयोग करना चाहिए।
दूसरी बात मैं ये बताता हूँ कि ये ट्राइकोडर्मा होता कितने प्रकार का है। आपने देखा होगा कि ये दो तरह से मिलता है, एक ट्राइकोडर्मा विरिड और एक ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम। दोनों में आपके लिए कोई अंतर नहीं है, ये एक फफूंद के प्रकार है बहुत छोटे रूप में। अब ट्राइकोडर्मा जो है ना हमारा करता क्या है, यह कई सारी बीमारियों जिसे के फ्यूजेरियम है, जैसे जिससे हमें अगर विल्ट रोग होता है, जो सूतकृमि होते हैं जिससे नीमाटोड की बीमारी है, ऐसी ऐसी बीमारियों तक की आपके पौधों की रक्षा करता है। यह प्रकृति में पैदा होने वाले जो हानिकारक जीव हैं, जो जमीन में पैदा होंगे, उनको एक ऐसा रसायन तैयार करता है कि जो उनके लिए जहर का काम करते हैं और वो स्वयं ही ख़त्म हो जाते हैं। कि जब भी कोई फफूंद आती है तो ये सीधा हमला भी उस पर करता है और उसको लगभग ख़त्म कर देता है। तो ये आपके लिए मित्र फफूंद है, चूँकि ये मांसाहारी है। अब चलिए हम आते हैं अपने मुख्य बिंदु पर, यानी इसके साथ कॉम्पेटेबिलिटी किस किस चीज़, संगतता, यानी इसके साथ में हम किस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं कि हमें और फायदा हो और कोई हानि न हो। जैसे कई भाई पूछते थे मेरे से कि जो हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है या COC है, क्या उसके साथ हो कोई फंगिसाइड या इंसेक्टिसाइड यूज कर सकते हैं? तो हम कहते थे कि नहीं करना चाहिए, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ केवल स्ट्रेप्टोसाइक्लिन ही प्रयोग करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। इन दोनों रिसर्च पेपर के आधार पर मैं आपको अब ये बताऊँगा कि जितने भी ये आपके इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड हैं, ये क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, किसको हम प्रयोग कर सकते हैं। अब ये जो संगतता है या कॉम्पेटिबिलिटी है, इसको हमने किस प्रकार किया? इन रिसर्च पेपर ने जितने भी प्रयोग आप रसायन करते हैं उनको मुख्यतः तीन भागों में बांटा। पहला है उसमें फंगिसाइड्स, यानी फफूंदनाशी या कवकनाशी भी जिसे हम बोलते हैं, जो हानिकारक फफूंद होती है, जो उसका विनाश करता है, उसे फफूंदनाशी कहते हैं और अंग्रेजी में इसे फंगिसाइड कहते हैं। पहला ग्रुप ये इस चीज़ का हुआ। दूसरा है इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड कीटनाशक होता है और ये जब किसी कीट का प्रकोप होता है तो उसे ख़त्म करने के लिए, उससे पौधों की रक्षा करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। किसान साथियों, तीसरा है फर्टिलाइजर्स, यानी के उर्वरक। आप सब जानते हैं कि इसी शब्द का इस्तेमाल हम रासायनिक उर्वरकों के लिए करते हैं, जिसमें मुख्यतः आपकी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होती है। तो हम कौन कौन से प्रयोग कर सकते हैं और इसका क्या असर पड़ेगा? ट्राइकोडर्मा या जितने भी जैविक जो आपके पेस्टिसाइड हैं, जैविक फंगिसाइड हैं, उनको करने के लिए जैविक एजेंट हैं, उनके साथ में क्या प्रभाव पड़ता है? किसान साथियों, अभी आपने देखा होगा मैंने दो शब्दों का इस्तेमाल किया, पहला किया इंसेक्टिसाइड और फिर किया पेस्टिसाइड। अभी दोनों में अंतर समझ लीजिए थोड़ा सा। इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का ही एक भाग है। अगर हम इसे वृहद रूप में बोलें या बड़े हिसाब से बोलें तो पेस्टिसाइड का एक भाग इंसेक्टिसाइड होता है। अब दोनों में अंतर क्या है? पेस्टिसाइड केवल एक प्रकार के कीट या उसकी फैमिली, जो उसका परिवार होता है, उस परिवार के कीट होते, सिर्फ उसे मारने के काम आता है। जबकि पेस्टिसाइड एक से अधिक प्रकार के कीटों को मारने के काम आता है, यानी पौधों में उनकी रक्षा के काम आता है। किसान साथियों, इनका प्रयोग हम ड्रिंचिंग यानी पौधे की जड़ों में पानी में मिलाकर भी दे सकते हैं और इनको फॉयलर प्रयोग भी करते हैं, यानी कि पानी में घोलकर इनका स्प्रे भी पौधों पर करते हैं। किसान साथियों, जब हम कॉम्पेटिबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि जितने भी कार्बनिक कीटनाशक हैं उनका हमें अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए, जैसे ट्राइकोडर्मा है, बवेरिया बशियाना है, मेटारिजियम एनासेपोली है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सारे मित्र फफूंद हैं और शत्रु फफूंदों का नाश करते हैं,
लेकिन अभी हमारा रिसर्च उस स्टेज पर नहीं गया है कि हमारा केवल इन्हीं से काम चल जाए। कहीं ना कहीं पर हमें कुछ रासायनिक फंगीसाइड्स का भी प्रयोग करना पड़ता है। अगर हम इन दोनों का मिलाकर प्रयोग करें और हमें ये पता हो कि किसके साथ किसका प्रयोग कर सकते हैं, तो हमारे लिए सोने में सुहागा होगा। हमारी बचत भी होगी और हमारी फसल भी अच्छी होगी, हमारी पौधों की रक्षा भी होगी। अब देखिए फंगीसाइड्स का, तो फंगीसाइड में ये दोनों रिसर्च पेपर की जो परिणाम हैं उनके अनुसार जो रिडोमिल गोल्ड है इसमें मेटालेक्सिम जो होता है ना एम, वो 4% होता है और मैनकोजेब जो है ना 64% होता है। कहते हैं कि अगर आप किसी भी बायोफंगीसाइड की, जो आपके ट्राइकोडर्मा है मेनली, जो हम यहाँ पर ट्राइकोडर्मा की बात कर रहे हैं, उसके साथ इसका प्रयोग करेंगे तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसका आप बेनिश्चिंत होकर प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, कुछ फंगीसाइड के मैं नाम ले रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए इनको, जो मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखाऊँगा। बेवेस्टीन, इसमें कार्बेंडिज्म होता है 50%। एक है साफ, इसमें कार्बेंडीज प्लस मैनकोजिब होता है, जो UPL की साफ के नाम से आती है। एक होती है स्प्रिंट, एक होता है कवच, एक होता है अवतार। ये सब एक मेक है, यानी कि ये सब एक तरह से जैसे कि बवस्टीन बोलते हैं कि ये उनके नाम है, और इसमें मुख्यतः कार्बेंडीज होता है। इनको आपको प्रयोग नहीं करना है। अगर आपको कोई फंगीसाइड करना है तो रिडोमिल गोल्ड ही कर सकते हैं। एक और आता है जो रिडोमिल गोल्ड जितना असरकारक तो नहीं है, लेकिन वो ट्राइकोडर्मा को इतना नुकसान नहीं पहुंचाता है, उसका नाम है इंडोफिल का M45। इसको भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, इन दोनों रिसर्च पेपर के परिणाम कह रहे हैं जो कि वैज्ञानिक पद्धति से सिद्ध किए गए हैं। किसान साथियों, सब आप जानते हो कि इंसेक्टिसाइड में एक बहुत पॉपुलर, जो मैं कुछ नाम ले रहा हूँ, डाइमेथियोट है, जो 30% EC में आप सबको मिलती है, जो रोगोर ओगोर कई नाम से आती है, लेकिन जो केमिकल है वो डाइमेथियोट है। दूसरा है फेनवालिरेट, तीसरा है लैम्डा साई हेलोथ्रीन, चौथा है बाईफेंथ्रीन। आप इन चारों का प्रयोग कर सकते हैं। एक और स्टडी ने यह बताया कि इस पेपर में कोट किया गया कि इमिडा क्लोरोपिड जो इंसेक्टिसाइड है हम नींबू में बहुत प्रयोग करते हैं, तो वो भी एक बहुत ही सेफ इंसेक्टिसाइड है, ट्राइकोडर्मा के साथ में आप प्रयोग कर सकते हैं, ड्रिंचिंग भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। किसान साथियों, डाइमेथियोट, इमिडा क्लोरोपिड, मोनोक्रोटोफास 36% वाला, इसकी कंपेटेबिलिटी है इनके साथ में। और एक आता है डेल्टा मेथ्रीन। तो इन सबको जो मैंने ये चार, इमिडा क्लोरोपिड, डाइमेथियोट, मोनोक्रोटोफास और डेल्टा मेथ्रीन 28%, इनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ये कंपेटेबल हैं, यानी इनकी संगतता है आपके ट्राइकोडर्मा के साथ में, जो जैविक फफूंदनाशी है उनके साथ में। अब क्या नहीं कर सकते किसान साथियों? क्विनाल्फोस, क्विनाल्फोस का प्रयोग वर्जित है, आपको नहीं करना। अगर आप करेंगे तो ट्राइकोडर्मा को फैलने से ये रोकेगी, ट्राइकोडर्मा के जो जीवाणु मल्टीप्लाई होंगे उनको नहीं होने देगी, तो ये उनको भी मार देगी, तो आपको इसे इनके साथ नहीं करना है। कार्बोसल्फान नहीं करना है। अगर आपने गोबर में ट्राइकोडर्मा मिलाया है और आप गड्ढे में भी भर रहे हैं और कार्बोसल्फान डाल रहे हैं, तो ट्राइकोडर्मा का कोई भी यूज नहीं है। अगर आपको करना है, इसके साथ में बवेरिया बसियाना यूज करिए और मेटारिजियम एनेसेपोली यूज करिए, या कोई और नीम की खली वगैरह यूज करिए। किसान साथियों, एक और दवाई है लैम्डा साई हेलोथ्रीन, इसका एक सेकंड एडिशन आया है, जो सेकंड जनरेशन की दवाई है, ये बहुत ही इफेक्टिव पाई गई है ट्राइकोडर्मा के साथ में, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। मोनोक्रोटोफास और जो क्विनाल्फास है उसकी जगह आप लैम्डा साई हेलोथ्रीन का प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, एक है पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का पार्ट है,
लेकिन पेस्टिसाइड में क्या होता है कि पेस्टिसाइड में आप कई प्रकार के कीटों का विनाश कर सकते हैं। जैसे इंसेक्टिसाइड केवल एक प्रकार के कीट या उसकी फैमिली, उसके परिवार का हानि पहुंचाता है, उसको ख़त्म करता है। ये कई प्रकार के करते हैं। जैसे मैं नाम लेता हूँ, क्लोरोपाइरीफास एक दवा है जो मुख्यतः दीमक के काम आती है, लेकिन इसको बहुत सारी फल मक्खी में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं आप, जो है ना, कोई मिलीबग में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, कोई वैसा भी कर दो, किसी कीट को भी ये ख़त्म कर सकती है, सुंडी को भी ख़त्म कर सकती है। तो क्लोरोपाइरीफास होती है, इसी तरह क्विनालफास होती है, वो भी एक पेस्टिसाइड है, वो कई प्रकार में यूज हो सकती है, दीमक में भी हो सकती है, आपके कीटनाशक का भी काम कर सकती है। एक होती है एसीफेट, जो आपने देखा होगा अमरूद के जब नए पत्ते निकलते हैं उन्हें खा लेता है। एक होता है ग्रास होपर, आप अगर इसे प्रयोग करेंगे तो ये उसको भी ख़त्म कर देगी। किसान साथियों, यहाँ मैं एक बात और आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अभी अभी भारत सरकार ने इनमें से काफ़ी केमिकल जो बैन कर दिए हैं, अभी थोड़ा समय दिया है उनको, अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो, लेकिन आप ये समझिए कि इन दवाइयों का प्रयोग बहुत ही हानिकारक है, इसलिए आपको उन दवाइयों का चयन करना होगा जो उस लिस्ट से बाहर होंगी। किसान साथियों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति, जिसमें मैंने बताया है फर्टिलाइजर यानी उर्वरक। आप सब जानते हैं कि उर्वरक रासायनिक होते हैं सारे, इसलिए इन्हें इनऑर्गेनिक कहते हैं। जैविक खेती में इनका प्रतिबंध है, जैविक खेती वही है जिसमें किसी भी रसायन का प्रयोग न हो। तो जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हैं, जितने भी हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आपका ये पोटास, इन सब को आप ट्राइकोडर्मा के साथ में प्रयोग कर सकते हैं। सारे के सारों की संगतता है, सारे कंपेटेबल हैं। अगर आपने गोबर में ट्राइकोडर्मा, मेटारिजियम एनेसेपोली, बवेरिया बसियाना या और भी कोई इस तरह के जैविक जो एजेंट हैं वो यूज करें, प्रयोग कर रहे हैं, तो आप बेहिचक होकर उसमें एनपीके, डाइअमोनियम फास्फेट या पोटास डाल सकते हैं। इनसे ट्राइकोडर्मा और इनको कोई नुकसान नहीं है। वैसे किसान भाइयों, ये मैं बता देता हूँ कि ये स्टडी केवल ट्राइकोडर्मा के बारे में की गई है। हर्बिसाइड्स क्या होता है? हर्बिसाइड्स होता है कि आप जो है ना पौधों को, जैसे पौधे आपके, आपने कोई फसल लगाई, जैसे मैंने अमरूद के लगाई है, उसमें कुछ घास हो गई, मुझे घास हटानी है, तो हर्बिसाइड जो है ना वो भी पेस्टिसाइड्स होते हैं जो केवल घास फूस को ही ख़त्म करते हैं। इसमें कई प्रकार के हर्बिसाइड ऐसे भी आते हैं कि जो जिसमें दो फसल है, जैसे मैंने, जैसे किसान क्या करते हैं, आजकल धान की पौध बो रहे हैं, तो धान में कुछ एक मंडूसी या कोई घास हो जाता है, तो एट्राजिन करके एक दवाई आती है, अगर उसको आप डाल देंगे वो धान को नुकसान नहीं देगी लेकिन आपको उसको ख़त्म कर देगी। इसी तरह से गेहूं में मंडूसी हो जाती है, तो वो गेहूं की फसल को नुकसान नहीं करेंगे लेकिन मंडूसी को सबको ख़त्म कर देंगे। तो इसी तरह का एक है आपका जो हर्बिसाइड है, वो बहुत लोग यूज करते हैं और उसका नाम है ग्लाइसोफेट। मैं बताता हूँ। तो किसान साथियों, जो हमारे हर्बिसाइड्स हैं जो हमारी वीड को ख़त्म करने के काम आते हैं, उनमें से मुख्यतः हैं से एट्राजीन है, 2,4-D एसिड है और एक है ग्लाइसोफेट। तो इनका भी प्रयोग ट्राइकोडर्मा के साथ में आप नहीं कर सकते, इनका प्रयोग आपको, इनकी कंपेटिबिलिटी नहीं है किसान साथियों। यानी कि सारांश में, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स और फंगिसाइड्स, इन चारों में से किसकी कंपेटिबिलिटी ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम के साथ है? कुछ पेस्टिसाइड्स मैंने बताए हैं कि जिनका प्रयोग कर सकते हैं और कुछ बताए हैं कि नहीं कर सकते हैं। इस पर मैं एक लेख लिखकर शीघ्र ही अपनी वेबसाइट पर भी रखूंगा, जिससे कि किसान आसानी से उसे पढ़ सके, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।